फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर ड्रेस बनाना बताऊंगी जो कलीदार लहंगा होगी और रफल चुन्नी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, उसके लिए ये हमारे पास 6 मीटर लेस है जो हम अपनी चुन्नी पे लगाएंगे। और ये देखिए, ये हमारे पास 3 मीटर के आसपास उसी पे ही लगाने के लिए है जो रफल दुपट्टा बनाएंगे। और ये हमारे पास 4 मीटर लाइनिंग है जो हम इसके कलीदार लहंगे के नीचे लगाएंगे, और ये केन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका रफल दुपट्टा वो काटते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 मीटर कपड़ा है, टाफ्टा का कपड़ा है। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह खोलेंगे, सारे कपड़े को खोलेंगे नहीं, बस काटते चले जाएंगे इसी में से ही। तो ये देखिए, इसकी हम ये वाली साइड नापेंगे, ये कितनी है हमारे पास। तो ये देखिए, इसका अर्ज 22.5 है हमारा। तो यहाँ पे हम देखिए 22.5 का निशान लगाएंगे, और एक बार फिर से 22.5 का निशान लगाएंगे। कपड़े को अलग करेंगे पहले, अब फ्रेंड्स जो हम दूसरा पीस काटेंगे वो हम इससे 2 इंच कम काटेंगे। तो देखिए ये 22.5 है तो वो हम 20.5 लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरा पीस हम देखिए 20.5 लेंगे। तो ये देखिए, हमने उसी प्रकार पहले की तरह ही डबल किया है, ये पूरा 20.5 लेके हमने फोल्ड किया। अब हम इसको भी काटेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे पास 18.5 हो जाता है। तो अब आगे इसके 18.5 का काटते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम तीसरा पीस ये देखिए 18.5 का बिल्कुल पहले की तरह ही निशान लगाया है, और इसको भी काटते हैं। तीनों पीस हमारे कट गए हैं। ये सबसे नीचे मैंने जो 22.5 वाला लिया था वो रखा है, उसके बाद ये मैंने 20.5 वाला पोर्शन रखा है, और उसके बाद ये देखिए ये मैंने 18.5 वाला पोर्शन रखा है। ये सारे हमने एक के ऊपर एक इस तरह सेट कर लिए। कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से हम 13 इंच का निशान लगाएंगे, ये देखिए, और फिर ये देखेंगे हमारे पास कितना बचा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये 9.5 बचा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में 9.5 की गोलाई डाल देंगे। ये देखिए, ये हमने 9.5 की गोलाई डाली। अब हम ऊपर वाले को देखेंगे ये कितना है, ये 9.5 है हमारा, यहाँ 9.5। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 9.5 की गोलाई बनाई है, तो पहले ये मैं इसको काटूंगी। ये हमारा ऊपर वाला कट गया। अब उसके बाद ये नीचे वाले को देखेंगे, ये हमारे पास 11 आया है। अब हम इसकी भी 11-11 की गोलाई बना लेते हैं। ये 11.5 है फ्रेंड्स, फिर 11.5 लेंगे। निशान लग चुके हैं, अब ये ही हम ऊपर वाले पोर्शन में काटेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास 13.5 हैं। अब हम पूरे में 13.5 की गोलाई लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मार्किंग हो गई है, अब हम इसको भी काट लेते हैं। तो ये देखिए, तीनों लेयर हमारी कट चुकी हैं। ये देखिए, ये तीनों लेयर कट गई। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ काटेंगे। ये देखिए, ये मैंने काट लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से भी ये बंद हैं, इस साइड से भी बंद हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए हम इसे खोलेंगे, खोल के देखते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा
इस तरह करके दुपट्टा बनेगा। तो अभी हमें क्या करना है, पहले इन तीनों को एक साथ रख के ये देखिए सिल देंगे, नहीं तो ये बहुत टाफ्टा कपड़ा है, बहुत जल्दी फैलता है। ये फ्रेंड्स इसको ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे, तीनों को एक साथ पकड़ेंगे, ये देखिए ऐसे यूं। देखिए पहले इसको रखेंगे बड़े को, फिर उससे छोटे को, और फिर उससे छोटे को, इन तीनों को ऐसे रख के इसको यहाँ से सिल देंगे। और फिर इसकी ये देखिए इसकी भी ये तीनों लेयर की, ये देखिए ये और ये तीनों लेयर की हम पीको कराएंगे। तो अभी मैं इसे सिलती हूँ तो दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स कटिंग तो इसकी हो चुकी है, अब हम इसे सिलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका कलीदार लहंगा काट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने कपड़ा अपना काट लिया है, जो इसका दुपट्टा था तो उसमें 3 मीटर कपड़ा लगा, अब ये हमारे पास 4 मीटर कपड़ा बचा हुआ है। अब अपने हम इस कपड़े को ये देखिए इस तरह करके खोलेंगे, ये देखिए ये हमने खोला, तो एक तो इसकी थोड़ी बहुत जो कान है वो निकाल देते हैं। और फ्रेंड्स फिर इस तरह हमने इसको खोल लिया, ये देखिए खोलने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह करके एक पहले हम एक लाइन डालेंगे बीचों बीच, ये देखिए हमारे पास जो हमारा लहंगा है उसकी 41 लेंथ है। तो फ्रेंड्स और ये देखिए हमारे पास 45 आ रहा है, तो 41 लेंथ है, नीचे हमें मोड़ने का अलग से लगाना है इसके अंदर। तो हम 42 या 43 पे ले लेते हैं, ये देखिए 43 पे हम ले लेते हैं। ये वाला कपड़ा हमें छोड़ना होगा, एक्स्ट्रा है ये कपड़ा, छोड़ते हुए चलेंगे, बाद में एक लंबी पट्टी हमें मोड़ने के लिए मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी हम थोड़ी मेज़रमेंट लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये लहंगा कुछ हमारा इस तरह बनेगा, यहाँ कमर होगी और ये देखिए इस तरह करके इसकी कलियाँ आएंगी। तो फ्रेंड्स ये कलियाँ हमें 8 चाहिए, ये कलियाँ हमें 8 चाहिए। तो अब हम इसकी मेज़रमेंट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये मेज़रमेंट कुछ इस तरह है, यहाँ 41 तो हमारी लेंथ है, तो हम इसे 43 लेंगे प्लस 2 करके, 43 तो हम इसकी लेंथ लेंगे, और ये कलियाँ हमें 8 चाहिए। तो फ्रेंड्स इसकी कमर हमारी है 30 का हाफ हमने किया 15 में हमने 2 प्लस किया मार्जिन के लिए, जिधर चेन लगती है उधर मार्जिन 2 इंच का छोड़ा जाता है। तो देखिए हमारे पास टोटल हो जाता है 17 डिवाइड बाय 8, ये हमने इसकी इसको डिवाइड 8 से इसलिए किया है कि ताकि हम 8 कलियां आगे डालेंगे 8 कलियां पीछे डालेंगे तो उसका हमारे को माप निकल जाएगा। तो देखिए डिवाइड करने के बाद 2.25 यानी 2.25 हमारे पास एक कली की चौड़ाई 2.25 आई है। अब फ्रेंड्स नीचे का जो घेर है हमें 3 मीटर का घेर लेना है, 1.5 मीटर आगे 1.5 मीटर पीछे। तो फ्रेंड्स 1.5 मीटर यानी 60 इंच, ये देखिए 60 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास 7.5 आता है यानी 7.5 आता है। 7.5 में हम आधा इंच मार्जिन का लेंगे तो ये नीचे की कली की चौड़ाई तो हमारे पास 8 हो जाएगी, और ऊपर हमारे पास 2.25 है तो हम पूरा इसे 2.5 कर लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास ऊपर 2.5 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। तो अब ये देखिए 8 हमारे पास है तो हम ये देखिए इस तरह लेंगे, 4 इधर लेंगे और 4 इधर लेंगे, ये देखिए 8 हो गया। और अब हम इधर आ जाते हैं, अब देखिए इधर की तरफ हम ये कमर वाली साइड पे हम 2.5 लेंगे, तो 2.5 लेते हैं तो आधा इधर कर देते हैं फ्रेंड्स और आधा हम इधर कर देते हैं, ये देखिए। और इस निशान को यहाँ मिलाएंगे इस वाले में, ये देखिए, और इसे हम यहाँ मिलाएंगे, ये देखिए इस तरह कली बनेगी फ्रेंड्स। कोई भी साइड सीधी नहीं होगी, दोनों तरफ तिरछा चलेगा, और बस इसको आगे आगे इसी को रख के अभी चौड़ा हिस्सा मैं इस साइड रखूँगी, फिर पतला हिस्सा इधर रखूँगी, और करते हुए मैं अपनी पूरी 16 कलियाँ काटूँगी। तो फ्रेंड्स पहले हम इसे काटते हैं, एक कली मैंने काट ली है, अब ये देखिए अब हम इसमें जो हमारा चौड़ा वाला हिस्सा था वो इस साइड रखेंगे नीचे की तरफ, ये देखिए ऐसे, और पतला हिस्सा हम ऊपर रखेंगे।
बस सारी कलियां इसी तरह ही लेते जाएंगे। जैसे अब हमने ये देखिए, ये देखिए ये हमने इस तरह काटा। अब उसके बाद इस साइड चलेंगे तो फिर हम इसे इस तरह रख देंगे। ये देखिए इस तरह रखते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह करते हुए हम अपनी टोटल सारी कलियां काटेंगे। और फ्रेंड्स जो इसका टॉप है वो मैं टॉप की वीडियो इससे पहले डाल चुकी हूँ कटिंग और स्टिचिंग की, तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी, उसे आप वहाँ से देख लें। अब ये हमारी कटिंग लगभग कंप्लीट हो जाएगी। इसे काटने के बाद फिर हम इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमारा लहंगा कट चुका है कलीदार, आठ कलियाँ ये हैं, आठ कलियाँ ये हैं। अब हम इसका अस्तर काट लेते हैं जिसमें हम केन लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास 4 मीटर कपड़ा है टोटल। तो सबसे पहले हम कपड़े को 41 लेंथ का है तो ये देखिए 41 पूरा ले लेते हैं, ये ले लिया, और लेके इसे डबल करेंगे। इस कपड़े को हम अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए अपने कपड़े को हमने इस तरह करके फोल्ड किया जैसे हम चार कली का पेटीकोट काटते हैं उस तरह से। तो ये देखिए हमारे पास कमर इसकी 30 है तो 30 का 1/4 हम यहाँ लेंगे। तो ये देखिए 7.5 आता है और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन डालेंगे तो टोटल मिला के 9.5 इंच हो जाता है। और ये हमने किनारी वाला पोर्शन छोड़ दिया है तो किनारी वाले पोर्शन को भी ऐड करने के बाद 10 होता है। तो 10 हम इसके इस साइड लेंगे और 10 ही हम इसके इस साइड लेंगे अपोजिट साइड इसके। ये देखिए ये लेने के बाद इन दोनों निशानों को इस तरह पकड़ेंगे ये, और पकड़ के हम इसे इस तरह काट देंगे। फ्रेंड्स कटिंग हमारी इसकी लाइनिंग की हो गई है। अब ये देखिए ऊपर से हम इस तरह करके 18 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 18 पे लगाया निशान और फिर नाप के देखा ये हमारे पास कितना है, 15 इस साइड है और 15 पीछे का, तो यानी एक साइड का हमारे पास ये 30 हो जाता है और दोनों साइड का मिला के 60। तो अब हम अपनी लाइनिंग को ये देखिए ये जो हमारे पास लाइनिंग बची है इसको ऐसे खोलेंगे और खोल के ये देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे। ये केन हमारे पास देखिए फ्रेंड्स ये कितने इंच की है, ये केन हमारे पास 21 इंच चौड़ाई की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम लगभग 21 इंच ही ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ऐसे करके 21 इंच लेंगे और जो इसकी चौड़ाई लेंगे वो 30 है तो 30 में प्लस 1 करके लेंगे। ये देखिए 30 और प्लस 1 किया हमने मार्जिन का और ये इस तरह करके। अब हम फ्रेंड्स इसे काटेंगे यहाँ ऊपर से और इधर से। ये हम इसकी कलियाँ शुरू करेंगे जोड़ना। तो ये देखिए आठ कलियाँ हैं, ये आठ कलियों में से इसको ऐसे पकड़ेंगे ये देखिए और दो कलियों को पकड़ के बस जोड़ देंगे। ये एक कली हमारी जुड़ चुकी है। अब हम क्या करेंगे ये देखिए यहाँ से हमें 2.25 लेना था तो हम इस तरह करके 2.25 पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमने निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर हम अपनी दूसरी कली रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सारी कलियाँ ये देखिए जुड़ चुकी हैं और सबका ये देखिए गैप जो है बिल्कुल सिमिलर आया है। ये देखिए पूरा 2.25 है। ये देखिए अभी हम ये आठ कलियाँ ये जुड़ी हैं ये देखिए और आठ कलियाँ हमारे पास ये देखिए ये हैं। ये देखिए फ्रेंड्स जब ये मैंने जोड़ने के बाद फिर इसे मैंने प्रेस किया। ये देखिए सारी कलियों को मैंने सब कलियों के मुँह एक साइड को कर दिए और करने के बाद जो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा आया वो सब मैंने काट दिया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि इन कलियों के ये देखिए अब हम इसका एक साइड सिल लेंगे
और एक साइड अभी नहीं सिलेंगे, उसमें चेन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम इसकी लाइनिंग तैयार करते हैं। तो ये देखिए चार कली की पेटीकोट की तरह हमने लाइनिंग काटी थी। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये साइड तिरछी है और ये देखिए इसको पलट देंगे, इसके सीधी साइड ले लेंगे। तो एक साइड सीधी एक साइड तिरछी लेके इस तरह मिला देंगे। लाइनिंग सिल के तैयार हो चुकी है। अब ये हम जो हमने ये देखिए लाइनिंग के बाद एक 30 इंच का कपड़ा काटा था वो मैंने आपको दिखाया था, और अब हम इसमें अपनी केन लगाएंगे। केन फ्रेंड्स पूरी 4 मीटर केन है, और इसको हम ये देखिए इस तरह करते हुए मोटी मोटी प्लेटें डालते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पूरे कपड़े पे हम लगा देंगे। फ्रेंड्स ये जो मैं आपको केन लगाने के तरीका अपनी कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ, मैं किसी एक वीडियो में इसका लिंक डाल दूँगी। वैसे देखिए ये इस तरह करके हम पूरी यहाँ लगाएंगे, और इसको लगाने के बाद इस तरह प्लेटें डालते हुए एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे। केन लग के बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम इसे अपनी लाइनिंग पे अटैच करेंगे। तो देखिए ये लाइनिंग हमारी तैयार हो चुकी है लहंगे पे जुड़ने के लिए। तो ये देखिए केन भी लग गई है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अपनी इस लाइनिंग को इस तरह करके उल्टा रखेंगे, और ये जो हमने कलियां जोड़ी थी कलियों वाला घेर जो है इसके ऊपर सीधा रखेंगे। ये देखिए ये हमारा उल्टा है और ये भी उल्टा अंदर है, सीधी तरफ से हम रखेंगे। ये ऊपर से हमारी कमर जुड़ गई है। अब हम चेन के लिए जगह बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमारी 8 कलियाँ होती हैं आगे का हिस्सा, यहाँ से हम नापेंगे। देखिए हमारे पास 30 इसकी कमर थी, तो 30 का हाफ हमारे पास 15 तो तैयार आना चाहिए, और 1 इंच हमारे पास थोड़ा लूज़ रखा है हमने, थोड़ा सा मार्जिन। तो ये देखिए ढिलाई के लिए हमने 1 इंच रखा। अब हम क्या करेंगे, इसके यहाँ तक यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं ताकि हम उसके ऊपर चेन लगा सकें। देखिए फ्रेंड्स चेन लग चुकी है। अब हम देखिए साइड बंद करेंगे। साइड बंद करने के लिए देखिए दोनों को मिला रखा हमने, और इसको भी दोनों को मिलाएंगे, कुछ दूरी तक दोनों को मिला के चलेंगे। ये देखिए ऐसे ये हमने सारे पोर्शन ले लिए, और ये देखिए मैंने यहाँ पे एक कट लगा रखा है, और इस कट की सीध में हम सिलना शुरू करेंगे। साइडें बंद हो चुकी हैं, चेन लग गई है, लगभग आधे से ज़्यादा हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हम इसको नाप के देखते हैं कि हमारा कितना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 16 है यानी 32, तो हम इसे 32 इंच की लंबी पट्टी लेते हैं। तो ये देखिए अब हम इसे ये देखिए इस तरह 1 इंच बढ़ा के काट लेते हैं, और फ्रेंड्स ये देखिए एक पट्टी मैंने ली है। बेल्ट बनाएंगे तो 5 इंच तो इसकी लंबाई है, और ये देखिए इसकी चौड़ाई हमारी 32 तो हमें तैयार चाहिए, और 2 इंच हमें मार्जिन का जो हम रखेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए एक साइड से हम इसको इस तरह करके मोड़ देते हैं। पहले हमने ये टेट्रोन इस पर लगा दी है, और ये देखिए इतना ही फालतू है, बस पूरा पूरा ही रखा है। और ये देखिए हमने इस तरह करके इतना हम मार्जिन में अंदर डालेंगे,
तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम इस तरह जहाँ पे ये सिलाई हमारी आई है इस जगह पे अपना ये कपड़ा ये देखिए उल्टी तरफ रखेंगे और सीधी तरफ को इस तरह पलट देंगे। ये देखिए, बेल्ट लग गई है। अब हम इसे इस तरह करके सीधी तरफ पलटेंगे। बेल्ट लग के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए, चेन भी हमारी लग चुकी है। ये देखिए, अब हमें इसकी देखिए, हम जो हुक लगाएंगे वो थोड़ा आगे पीछे करके यहीं पर लगाएंगे, तो इस तरह हुक लगाएंगे आगे पीछे करके। और अब हम अपनी कमर देखते हैं, हमारे पास 30 कमर तैयार आनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार 30 कमर आई भी है। अब फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है बेल्ट लगाने के बाद 43 आ रही है और हमारे को तैयार लंबाई 41 चाहिए, तो यानी ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें इस तरह करके देखिए हर कली पे 2-2 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह करके निशान लगाएंगे ऐसे, और फिर हम इसको इस तरह करके पूरे को मोड़ देंगे, पूरा नीचे का घेरा। और फ्रेंड्स, ये हमारा स्कर्ट बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसका दुपट्टा तैयार करते हैं। तीनों रफल हमने काटे और काटने के बाद मैंने आपको बताया था कि काटते समय ही कि तीनों किस प्रकार जोड़ना है। तीनों को पकड़ के मैंने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद ये देखिए मैंने इसमें पीको करवा दी। ये मैंने तीनों पे पीको कराई थी। तो जो सबसे पहले नंबर की जो हमारी रफल है उसके ऊपर हम ये देखिए ये अपनी एक लैस अटैच करेंगे। लैस लग के बिल्कुल रेडी हो गई है। पूरे में मैंने ये देखिए इस तरह लगा दिए, ये जो गोल्डन वाला हिस्सा अंदर कर दिया और सिर्फ लैस लैस बाहर दिखाई है। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास ये देखिए गोटा है इस तरह। अब हम इसको बिल्कुल यहाँ रखेंगे ऊपर और रख के ये इसके अंदर इस तरह दबा देंगे। ये देखिए ऐसे, और ऐसे दबाएंगे। फ्रेंड्स, ड्रेस बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए दुपट्टा मैंने इस तरह करके कैरी करके दिखाया आपको। ये देखिए यहाँ लटकन लग गई और ये हमने किनारी जो थी हमारी वो पूरी लगा दी है। ये देखिए तीनों पे मेरी पीको भी हो चुकी है। ब्लाउज़ फ्रेंड्स, मैं आपको इसका टॉप जो है आपको पहले बता चुकी हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ये तो मेरे पास ये कपड़ा था तो मैंने इसकी चोली पे बस कपड़ा ही ऐसे ही बांध रखा है पीछे। और फ्रेंड्स देखिए, ये घेर कितना सुंदर घेर आया है। मैंने घेर के नीचे ये देखिए ऐसे मोड़ के 2 इंच मोड़ा और मोड़ने के बाद ये मैंने एक लैस लगा दी। और नीचे फ्रेंड्स ये देखिए केन है, ये लाइनिंग है और इसके नीचे एक और अस्तर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।